जमशेदपुर के मेडिकल स्टूडेंट्स को इन दिनों कॉल आ रहे हैं। ये कॉल पीजी का नीट एग्जाम दे चुके छात्रों के पास आ रहे हैं, जिनमें कॉलर डॉक्टर के रैंक पता होने का दावा कर रहा है। क्या है इस मामले की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। पीजी के लिए नीट की परीक्षा दे चुके कई एमबीबीएस डॉक्टर्स के मोबाइल पर फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। कॉल में कॉलर डॉक्टर की रैंक पता होने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, कॉलर परीक्षा दे चुके डॉक्टर्स को ये भी कहता है कि अच्छे रैंक के बावजूद मनचाहा विषय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉलर के कहे मुताबिक यशवंत सिन्हा नामक शख्स के अकाउंट में पैसे भेजने पर उन्हें मनचाहा विषय मिल जाएगा। अगर आपको रैंक सुधरवाना है तो सुधरवा लीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जैसे मर्जी तो कैसे कैसे सर, वो यहाँ से पॉसिबल है सर? वो हमारा अंदर डिपार्टमेंटल काम है, वो तो अगर आप नहीं बता के आप करवा कर दूंगे। बिल्कुल कर दूंगा, मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। तो होटल मेरी फीस कम्प्लीट हो रहा है और आखिरी वही होगा जो हम सर्वर में डालेंगे, आखिरी वही होगा और 31st को आपके सामने रिजल्ट आएगा। करीब 15-20 डॉक्टर्स के पास 8-2-2-8-9-7-7-5-8-5-7-3-7-0-9-5-5-4-9-5 और 9-0-0-7-3-3-5-9-1-1 से फोन कॉल आए। ऐसे कॉल आने के बाद आईएमए झारखंड के महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने ईटीवी से संपर्क किया और अपील की कि डॉक्टर ऐसे किसी भी झांसे में न आए। अभी हमें बहुत से चिकित्सकों के यहाँ से कॉल आया और प्लस जो सो व्हाट्सएप पे उनका कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज भी भेजा गया। इसमें कहा गया कि नीट ऑफिस से हम बोल रहे हैं, आपका नीट एग्जाम पीजी एग्जाम में आपका पोजीशन बहुत पीछे है। अगर आपको चाह सब्जेक्ट चाहिए तो आपको ये सो इतना पैसा देना है, कोई 10 लाख कभी 20 लाख किसी में 25 लाख इस टाइप का डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, मेरे अकाउंट में दे दीजिए, आपका जो है सो रैंक हमें कर देंगे। खास बात यह है कि जिन लोगों ने नीट की परीक्षा दी है ये कॉल उन्हीं के पास आ रहे हैं, मतलब साफ है कि कॉलर के पास पूरी लिस्ट है और वो पूरी तैयारी के साथ ये काम कर रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ा देती है। ईटीवी के लिए जमशेदपुर से अन्नी अमृता की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उग्रवादी संगठन JJMP